महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बलिदान दिवस मनाया गया, जिसमें सामूहिक सर्वधर्म प्रार्थना सभा व बापू के भजन शांति दूत की शपथ ली गई। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच के द्वारा रविवार को दुर्ग के सर्किट हाउस में सामूहिक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इसके उद्घाटन में पहुंचे गृह मंत्री तामसर साहू ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं महात्मा गांधी के भजन व शांति दूत की शपथ ली गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिसमें सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। गौरतलब है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच के द्वारा किए गए इस आयोजन का उद्देश्य बताते हुए कहा कि जिस तरह से आज पूरे देश में महात्मा गांधी की छवि बदलकर गलत इतिहास बताया जा रहा है, उसी तारतम्य में आम लोगों के बीच महात्मा गांधी के द्वारा किए गए कार्यों का बखान कर उनकी उपयोगिता बताई जा रही है, जिससे देश के सभी लोग अपने इतिहास को ना भूल पाए। इस संबंध में कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। महोत्सव के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच द्वारा महात्मा गांधी के विचार मंच के लिए हम सबको एकत्रित किया गया था, और महात्मा गांधी की जो योगदान है पूरे देश के लिए, उसके बारे में आज चर्चा की गई। लोगों को जो भ्रमित किया जा रहा है महात्मा गांधी जी के लिए, तो लोगों को भ्रमित ना हो करके एक उपदेश भी दिया गया है, क्योंकि लोगों को संज्ञान में लाना जरूरी है कि जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया था और आज जिन्होंने देश के आज़ादी के बाद आज हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं उन्हीं लोगों के माध्यम से खड़े हैं, और बाद में हम ये कहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया, ये तो योगदान वाली बात है। यदि हमने कुछ नहीं किया है तो हमें अपना मुँह बंद करके रखना चाहिए। और मैं विचार मंच के जितने भी यहाँ पर आयोजक गण हैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वे आज की युवा पीढ़ी को कुछ न कुछ ऐसा संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो कार्य किए हैं देश को आगे बढ़ाने में, आज़ादी दिलाकर, उस योगदान को आप लोग याद करें, क्योंकि हमारे किताबों में से वो इतिहास के पन्ने भर चुके हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों की जीवनियों को वापस उन पन्नों में लाया जाए और लोगों को, बच्चों को जानकारियाँ दी जाएँ कि हमारे देश को आज़ाद कराने में कैसे कैसे महापुरुष रहे हैं और उनके परिवार ने जो संघर्ष करके आज इस मुकाम पर हम लोगों को लाकर खड़ा किया है। तो हमारी भी कुछ बनता है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने में कुछ योगदान दें। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच का प्रदेश संयोजक, आज हम लोग भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर 30 तारीख को बलिदान दिवस महात्मा गांधी जी के लिए मना रहे हैं। इस अवसर पर हमारे बीच में बहुत सारे गेस्ट आए थे। आज का कार्यक्रम का प्रमुख ध्येय था सर्वधर्म प्रार्थना, साथ में भजन। सर्वधर्म प्रार्थना में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन को बुलाए थे, और ये कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट पूरे छत्तीसगढ़ में लाने के लिए हम माननीय मंत्री जी चंद्रदेव साहू को बोले, रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा है। सर्वधर्म प्रार्थना हर स्कूल में, हर बच्चे में, हर कॉलेज में, हर जगह होनी चाहिए, जिससे देश में छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित हो और एक इसका भाव पैदा हो, स्वाभिमान का भाव पैदा हो। गांधी जी ने सभी विषय पर अपने अपने काम किए, हम उनसे प्रेरित होकर ये कार्यक्रम आज कर रहे हैं। धन्यवाद। धर्म ढरिया महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच देश का संयोजक हूँ। देखिए, आज पुण्यतिथि के अवसर पर देश के विभिन्न प्रदेशों में इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी तारतम्य में दुर्ग में भी ये कार्यक्रम है, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अपने संयोजक हैं अर्जुन वाजी पहुँचे हुए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, आज के दौर में गांधी जी की विचार आज भी प्रासंगिक है, और आज जिस प्रकार से देश में जो पूरा माहौल को ख़राब करने का, गांधी जी की छवि खराब करने का जो काम कुछ असामाजिक तत्व लोग कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, आपकी विकृत बुद्धि गांधी जी के विचारों या गांधी जी की छवि में कोई फर्क नहीं ला सकती, लेकिन इस देश में इस प्रकार की जो विध्वंसक विचारधारा के लोग हैं, जो समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व के सिद्धांत को विकृत करने का जो काम जो लोग कर रहे हैं, उन्हें इस देश से अच्छे विचारधारा के लोग जो हैं वो जब अपनी बातें रखेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे लोग शांत हो जाएंगे, ऐसे लोग या तो समाज से अस्वीकार कर दिए जाएंगे। और इसीलिए हम लोगों ने इस प्रकार का काम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, ताकि देश में शांति, सद्भावना, सर्वधर्म संभाव बना रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।